नमस्ते। आर्ट ऑफ टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं ओशोज़ेन टैरो क्लिंगिंग ऑफ द पास्ट के बारे में, और क्लिंगिंग ऑफ द पास्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं फाइव ऑफ कप्स से। फाइव ऑफ कप्स को जो है मैंने बहुत डिटेल में जो है एक उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट अगर आप फाइव ऑफ कप्स को अगर आप समझेंगे तो फाइव ऑफ कप्स के अंदर जो है हम देख सकते हैं कि एक आदमी जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं और वो तीन कप्स को देख रहा है जिसमें से वाइन गिर गई है, और उसके पीछे दो कप्स जो हैं इंटैक्ट पड़े हुए हैं। कार्ड का जो मैसेज है वो ये है कि एक ऐसा टाइम, एक ऐसा ग्रीफ का पीरियड, एक ऐसा दुख का समय जो कि ये व्यक्ति जो है उससे गुजर रहा है, इसका इन कप से जो है बहुत गहरा नाता था, बहुत अटैचमेंट थी। इसने अपनी जो ज़िंदगी जो है पूरी दाव पे लगाई थी इन तीन कप्स के ऊपर, लेकिन ये तीन कप्स अब नहीं रहे उसकी लाइफ में, जिसके कारण वो पूरी तरह से निराश हो गया है, एक लाश की तरह हो गया है, और उसको आगे जो है जीने की जो है इच्छा नहीं रही। लेकिन इसी कार्ड के अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि उसके पास दो कप्स और हैं जो कि उसको जीवन प्रदान करने के लिए तैयार हैं, जो कि उसके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसका फोकस जो है बहुत ज़्यादा उन तीन कप्स की तरफ है, जिसकी वजह से वो उन दो कप्स को नहीं देख पा रहा है। तो ये टाइम कुछ ऐसा है फाइव ऑफ कप्स के अकॉर्डिंग कि इस आदमी को इस पेन से गुजरना पड़ेगा। इससे गुजरने के बाद जो है वो एक ऐसी स्थिति में आएगा कि वो उन दो कप्स को देखेगा और अपनी ज़िंदगी के अंदर एक नया समय जो है वो चालू करेगा, एक नई यात्रा अपनी जो है वो चालू करेगा। तो ये था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन फाइव ऑफ कप्स का। अब हम बात करते हैं क्लिंगिंग टू द पास्ट के बारे में। क्लिंगिंग टू द पास्ट का जब हम कार्ड देखते हैं तो उसमें भी ऑलमोस्ट एक सेम ही मैसेज है जो कि फाइव ऑफ कप्स में आ रहा है। हालांकि जो अगर हम क्लिंगिंग टू द पास्ट की बात करें तो हमें से मैक्सिमम जो हैं वो पास्ट में जीते हैं अपने, या तो पास्ट में जीते हैं या अपने फ्यूचर में जीते हैं, प्रेजेंट में नहीं जीते। क्लिंगिंग टू द पास्ट जो है हमें बताता है कि आपके थॉट्स, आपके आइडियाज, आपके विचार, आपका जीवन जो आपने पास्ट में कभी जिया था, आप उसके साथ इतने जकड़े हुए हैं कि आप अपने प्रेजेंट को नहीं देख सकते, आप उस भविष्य को नहीं देख सकते जिसको आप बना सकते हैं अपने इस प्रेजेंट के अंदर। जो गिफ्ट है, जो आपकी लाइफ जो आपके लिए लेकर आई है, वो इस मोमेंट में है। ये आपको तभी दिख सकता है जब आपके भीतर जो है कोई विचारों का संग्रह ना हो। वो आप तभी देख सकते हैं जब आप इस मोमेंट में एक शून्य की स्थिति में आए। जब मैं शून्य की स्थिति बोलता हूँ तो उसका यही अर्थ है कि आप जो है बिल्कुल लाइट वेट हो जाए, पास का कुछ भी बैगेज जो है अपने साथ मत लेके चले। और जितने ज़्यादा आप पास से मुक्त हो जाएंगे उतने ज़्यादा जो है आप प्रेजेंट के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और ओशो की टीचिंग्स इस कार्ड के बारे में है कि पास्ट वो है जो आपकी नज़र के सामने से जा चुका है, प्रेजेंट वो है जो आपकी नज़र के आगे है जिसको आप देख सकते हैं, और फ्यूचर वो है जो आने वाला है, जो अभी सामने आया नहीं है। जिसको हम फ्यूचर कह रहे हैं वो जल्दी ही पास्ट हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर जो है प्रेजेंट में जब आएगा उसको पकड़ने की कोशिश में वो भी पास्ट हो जाएगा। तो जो प्रेजेंट की जो मोमेंट है वो शो बोलते हैं वो इतनी डेलिकेट है, वो इतनी नाजुक है, वो इतनी बारीक है कि आपने उसके बारे में सोचा कि वो आपके कि वो पास्ट हो गई, कि वो चली गई। इसलिए वो कहते हैं कि जितने भी जो टेंसेस हैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो भी माइंड के साथ जो जुड़ा हुआ है,
वो ये कह रहे हैं कि आपका प्रेजेंट भी अगर माइंड के साथ जुड़ जाता है तो वो भी पास्ट हो जाता है। अगर प्रेजेंट को जीना है तो सिंपली यू विल हैव टू जस्ट बी, आपको वहां सिर्फ होना पड़ेगा। आप उसके बारे में सोच नहीं सकते, आप उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते, आप उसमें सिर्फ हो सकते हो। एंड दैट इज व्हाट द प्रेजेंट इज। तो क्लिंगिंग टू द पास्ट आपको जो है कभी भी जो है उस प्रेजेंट की मूवमेंट को एक्सपीरियंस नहीं करने देगा। अब पास्ट का कोई अनुभव अच्छा रहा हो या बुरा रहा हो, लेकिन अगर आपके भीतर वो बैठी हुई है वो चीज़, कोई भी अगर उस तरह का थॉट अगर आपके भीतर बैठा हुआ है तो आपको जो है वो प्रेजेंट के साथ नहीं जुड़ने देगा। और प्रेजेंट में ही आपकी सारी ऊर्जा है, प्रेजेंट में ही आपका सारा होना है, प्रेजेंट में ही आपकी पूरी की पूरी जो जिंदगी है, जो पूरी की पूरी जो आपकी लाइफ की जो मीनिंग है वो सारा का सारा प्रेजेंट में है। जो पास्ट है जिनका, वो ऑलमोस्ट उनका जो है वो प्रेजेंट की तरह उसको वो जीते हैं। प्रेजेंट का तो उनको आइडिया नहीं है, क्योंकि वो जो जी रहे हैं वो पास्ट को जी रहे हैं। वो पास्ट ही उनका जो है वो ईगो बन चुका है, और इस ईगो को छोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। इसको आप खुद समझते हैं कि ये आप हैं, तो ड्रॉप करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। तो ओशो बोलते हैं कि एक ही तरीका है इस ईगो से मुक्त होने का, इस पास्ट से मुक्त होने का, और वो है ध्यान का रास्ता। ओशो ज़ेन टैरो के जितने भी कार्ड्स हैं उनका जो बेसिक जो मैसेज है, जो रूट जो मैसेज है, वो है ध्यान का। चाहे वो ऊपर हजारों किस्म की बातें करते हों, लेकिन भीतर जो गहरे में जो एक मैसेज जो आता है वो है ध्यान का, कि आप ध्यान के साथ जुड़ जाएं। क्योंकि ध्यान के साथ जुड़कर ही आपको अपने से साक्षात्कार होना शुरू होगा, आपका खुद के साथ मिलन होना शुरू होगा। क्योंकि ध्यान में एक ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पे आप पास्ट और जो आपका फ्यूचर है वो ऑलमोस्ट जो है वो सारे थॉट्स जो हैं वो सब गायब हो जाते हैं, और आप उस वो जो एक छोटा सा एक जो मोमेंट बचता है प्रेजेंट का, उसके साथ जो है आपकी जुड़ने की एक पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर आप उस मोमेंट में अगर आप अपने आप को जोड़ लें, अगर आपका मिलन जो है उस मोमेंट के साथ हो जाए, तो वो मिलन जो है वो परमात्मा से मिलन है, वो खुद से मिलन है। यहाँ पे सीखने की बात ये है कि पास से मुक्त होना ही है, और साथ में इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको दोबारा से इकट्ठा नहीं होने देना। अपने जीवन को जो है बिल्कुल एक नित नया कर देना है, बिल्कुल मूवमेंट के साथ जो है उसको, जो पास के साथ मूवमेंट के साथ जो है पास को जाने देना है, उसके साथ क्लिंग नहीं करना है। कोई भी जो मेमोरी है उसको जो है पकड़ के नहीं रख लेना है। और यही मीनिंग है आर्ट ऑफ द लिविंग का, और यही मीनिंग है ध्यान को जीने का, कि जब आप पास के साथ अपने आप को जो है एक्युमुलेशन जो आपकी जो पास की जो है वो आपने ख़त्म कर दी है, एंड नाउ यू आर मोर एंड मोर इन टू योर ओन सेल्फ, नाउ यू आर मोर एंड मोर इन द प्रेजेंट। तो फाइव ऑफ कप्स और क्लिंगिंग टू द पास्ट को हम कंपेयर करें तो कंपैरिजन बहुत सिमिलर है और आपके सामने है कि दोनों ही एक ही मैसेज दे रहे हैं आपको। मैसेज यही है कि अपने पास्ट के साथ क्लिंग मत होइए, अपनी प्रेजेंट की मूवमेंट देखिए, और इस प्रेजेंट की मूवमेंट के साथ जुड़ते ही आपका जो है एक नया भविष्य आपके लिए खड़ा हुआ है। भविष्य वो नहीं है जो अभी होगा, भविष्य वो है जो अभी घटने को है इसी क्षण। क्योंकि भविष्य के बारे में सोचा तो वो भी एक तरह का जो है एक थॉट प्रोसेस में आप चले गए। जब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की तो वहां पे सिंपली ये मोमेंट बचती है।
कि जो भी पास्ट का जो भी था उसको आपने जाने दिया, अब आपने जो पूरी की जो पूरी की पूरी जो प्रेजेंट की जो मोमेंट है उसको जीना शुरू करा. दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ क्लिंगिंग ऑफ द कार, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ क्लिंगिंग ऑफ द पास्ट. एक कहानी मैंने सुनी है, एक राजा रोज जंगल से निकलता था तो एक साधु को बैठा हुआ देखता था ध्यान में. उसने जब भी उस साधु को देखा, उसको ध्यान में देखा, तो जब भी वो वहां से गुजरता तो उसको कुछ क्षण जो है देखता, फिर वहां से निकल जाता. इस राजा को उस साधु को देखते हुए बहुत समय हो गया था और उसके भीतर से एक मन में एक इच्छा उसके उठी कि इस साधु को जो है मैं अपने महल ले चलूं और किसी भी तरह से मैं उसको प्रेम दे सकूं, उसको सेवा कर सकूं तो मैं करूं. तो अगले दिन जब राजा जो है जब गुजरता था तो वो साधु के पास रुका और उसने साधु को रिक्वेस्ट करी कि क्या मैं आपको जो है अपने महल का निमंत्रण दे सकता हूँ, क्या आप जो है मेरे साथ रह सकते हैं, मेरा बहुत सौभाग्य होगा कि अगर आप जो है मेरे साथ रहें. अब भीतर भीतर राजा तो ये सोच के आया था कि साधु जो है हिचकिचाएगा, साधु मना करेगा, साधु कहेगा नहीं नहीं हम अच्छे हैं हमें कहीं नहीं जाना. लेकिन जैसे ही राजा ने ये बात बोली, साधु तो जैसे जो है उचक के बैठ गया और उसने बोला, और जैसे कि वो वेट ही कर रहा था, ऐसे लगा, उसने कहा बिल्कुल चलो, कहाँ है रथ तुम्हारा. ये बात सुन के राजा जो है भुचक्का का भुचक्का रह गया. और अब राजा के शब्द थे वापस तो ले नहीं सकता था, तो उसने कहा कि रथ तो यही है, चलिए. तो खैर साधु जो है उस राजा के साथ उसके महल में चला गया और साधु वहां जाके ऐसे जीने लगा जैसे राजा भी नहीं कभी जिया होगा. इतनी आलीशान तरीके से उसने जो है उस महल को जीना शुरू करा, उन मखमली गद्दों में इतने आराम से सोना, खाना पीना पूरा अपना जो है पूरी तरह से जिस तरह से भी वो मौज कर सकता था वो पूरा मौज कर रहा था. राजा को ये देखकर जो है ना अंदर ही अंदर जो है ईर्ष्या भी होती और उसको क्रोध भी आता और उसको जो है समझ में भी नहीं आता कि ये कैसा साधु है, क्या ये वही साधु है जिसको मैं देखता था जो कि हर वक्त ध्यान में रहता था. खैर इस तरह से 6 महीने बीत गए और राजा की हालत जो है दिन ब दिन खराब होती गई, यानी उसको अंदर ही अंदर उसकी जो है परेशानी बढ़ती चली गई. अब उससे सहना मुश्किल हो गया, इस आदमी को उसको देखना जो है मुश्किल हो गया क्योंकि राजा वो था लेकिन राजा की तरह जी वो साधु रहा था. तो खैर एक दिन जो है राजा ने हिम्मत करके जो है उस साधु को बोला कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. साधु बोला कि मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन इतना समय क्यों लगाया, ये आप उसी वक्त पूछ लेते जब आप मुझे लेने आए थे, इतना 6 महीने वेट क्यों करा, इतना 6 महीने अपने आप को सताया क्यों. तो राजा बोला कि नहीं मुझे सिर्फ एक ही बात पूछनी है. मुझे सिर्फ एक ही बात पूछनी है कि अब आपके और मेरे में डिफरेंस क्या रह गया है. अब आप भी उसी महल में हैं, मैं भी इसी महल में हूं, मैं भी भोगी और आप भी भोगी ही हैं, आप ही बताइए अब हम दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. तो साधु ने बोला कि तुम्हें डिफरेंस जानना है मैं जरूर बताऊंगा. तो राजा ने बोला बताइए. तो साधु ने कहा यहां नहीं, मैं जंगल में जाके तुम्हें बताऊंगा. तो खैर दोनों जो है रथ में सवार हुए और फाइनली जंगल आ गया. तो राजा ने पूछा कि अब तो बता दीजिए, जंगल आ गया.
साधु ने बोला नहीं अभी नहीं, थोड़ा और अंदर। खैर वो और अंदर चले गए। ऐसे जाते जाते जो हैं करीबन 2-3 घंटे वो अंदर ही चले गए, जितना जंगल में अंदर जा सकते थे। राजा भी जो है अंदर से बहुत इरिटेट हो गया और उसने कहा कि साधु महाराज अब तो बता दीजिए, इतनी दूर आ गए हम अपने महल से, अब तो बता दीजिए। तब साधु ने बोला कि तुम जानना चाहते तुम्हारे और मेरे में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है। तो संत ने कहा कि बस रथ यहीं रोक दो और मैं यहाँ से मैं चले जाऊँगा। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम मेरे साथ आओगे? तो राजा ने बोला कि मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरा राज्य, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और इतने सारे लोग जो हैं मेरे ऊपर डिपेंड हैं, मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ? तो साधु ने कहा कि समझा, यही डिफरेंस है कि मैं अब जब चला जाऊँगा तो मैं पीछे मुड़ के देखूँगा भी नहीं, लेकिन तू जो है उन सब चीज़ों के साथ बंधा हुआ है, तू उनको नहीं छोड़ पाएगा। तो डिफरेंस तेरे और मेरे बीच में क्या है कि तू जो है अपने राज्य के साथ बंधा हुआ है, तू अपनी पोजेशंस के साथ बंधा हुआ है। ये सुन के जो है राजा को एक रियलाइजेशन हुआ और एकदम से उसका जो जैसे जो है मन अंदर से चेंज हो गया। उसने कहा कि साधु महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मेरे साथ जो है वापस महल चलिए। साधु ने उस राजा की आंखों में देखा और बोला कि देख, मैं दोबारा से तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तुझे होगी, तुझसे सहन नहीं होगा, इसलिए तू छोड़, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ, तू अपने रास्ते वापस जा, तू अपने महल जा। तो इस छोटी सी कहानी से एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाह रहा था आपको कि पास्ट को अगर आप जो है अपने साथ लेके चलते हैं तो वो जो एक जो उस मोमेंट में वो जो रास्ता निकल रहा जो उस मोमेंट में वो जो रास्ता निकल रहा होता है एक उस मोमेंट में वो जो एक पगडंडी निकल रही होती है, बिल्कुल आपकी खुद का रास्ता जो निकल रहा होता है उस पर आप वॉक नहीं कर पाते, क्योंकि पास्ट का जो है बहुत ज़्यादा बर्डन आपके साथ होता है। एक साधु वही है, एक ध्यानी वही है जो कि रेडी है अपने पास को छोड़कर जाने के लिए। तो जितना आप पास के साथ जुड़े होंगे उतने ज़्यादा जो है आप उन पोजेशंस के साथ भी जुड़े होंगे, जितना आप उनसे मुक्त होंगे, जितना आप उस प्रेजेंट के साथ जुड़े होंगे उतना पोजेशंस के साथ आपको इतना ज़्यादा जो है अटैचमेंट नहीं होगा। जब टाइम आएगा तो आप उसको जो है उसको छोड़ भी पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू वॉक अवे फ्रॉम इट। तो इस वीडियो का यही अंत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।